हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपको एक प्रमुख बात बताने जा रही हूँ भगवान शिव के बारे में, क्योंकि भगवान शिव जो है अपने माथे पर तीन धारियाँ लगाते हैं, तो वो किसका प्रतीक है? तो दोस्तों, भगवान शिव जो अपने माथे पर तीन धारियाँ लगाते हैं, इसके पीछे एक कहानी है। जब माँ सती और भगवान शिव का अपमान किया गया था, किसके द्वारा? माता सती के पिता के द्वारा। उन्होंने अनुष्ठान में नहीं बुलाया था, यज्ञ में नहीं बुलाया था, तो माता सती वहाँ जाकर हवन कुंड में कूद गई थी, तो कूदने के कारण वो राख बन गई थी। तब भगवान शिव वहाँ पहुँचे और गुस्से में आकर उन्होंने उस राख से अपने माथे पर तीन लकीरें लगा ली। तो ये तीन लकीरें जो है तीन लोक का प्रतीक है, इसी को कहते हैं त्रिपुंड। और त्रिपुंड लगाने से माथे पर कहा जाता है 27 देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यानी जो व्यक्ति त्रिपुंड लगाता है, किसका? राख का, अपने माथे पर, तो कहा जाता है 27 देवों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके साथ साथ महादेव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि तीन धारियों के बीच में एक लाल रंग का भी तिलक लगाते हैं, वो एकाग्रता का प्रतीक है। भगवान शिव कहते हैं संसार में रहो, ग्रस्त जीवन में रहो, लेकिन एकाग्र रहो, यानी अपने मन को शांत रखो। यानी उतराव चढ़ाव जीवन में संघर्ष तो आएगा ही, लेकिन तुम अपने मन को शांत रखो, एकाग्र रखो। इसलिए भगवान शिव त्रिपुंड के साथ बीच में तिलक।